हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस तारीख हो चुकी है 25 दिसंबर 2023। सर हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर पाइए, जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है सीएसके के टीम की साइड से, जहां पर सीएसके के ओनर्स ने अब अपना रीजन बताया है कि क्यों इन्होंने समीर रिजवी, जो कि काफी ज्यादा यंग प्लेयर है, उनको अपनी टीम में शामिल किया। दरअसल सीएसके ने कहा है कि इनके टीम में नंबर 4 की पोजीशन पर अंबाती रायडू के बाद कोई भी प्लेयर नहीं था। ऐसे में समीर रिजवी इनको वो यंग प्रोस्पेक्ट नजर आए, जो कि एज में काफी ज्यादा कम है। इसके साथ ही आने वाले में सीएसके के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर प्रूव होने वाले हैं। तो ऐसे में इन्होंने बताया है कि आने वाले सालों में काफी टाइम तक आपको समीर रिजवी सीएसके के सेटअप का पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनमें एमएसटी भी हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आए थे, और एमएसटी के कहने पर ही सीएसके की टीम ने डिसाइड किया था कि ये टीम इनके ऊपर बिडिंग करने वाली है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर की साइड से, जहां पर एक तरफ आरसीबी की टीम को काफी सारे आईपीएल फैंस के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने अलजारी जोसेफ के ऊपर 11.75 करोड़ रुपए क्यों इन्वेस्ट किए थे। तो वहीं दूसरी तरफ एंडी फ्लावर इस चीज से अग्री नहीं करते हैं। उनके हिसाब से पैट कमिंस एक ऐसा बॉलर था जिनके ऊपर ये बिड करना चाहते थे, इन्होंने बिडिंग की भी थी, लेकिन 20.25 करोड़ रुपए के बाद इनको बिडिंग स्टॉप करनी पड़ी थी क्योंकि इनका बैलेंस बस उतना ही था। इसके अलावा मिचेल स्टार्क इनके पास एक और ऑप्शन थे जिनको ये लेना चाहते थे, लेकिन इनको ये भी पता था कि केकेआर और जीटी में से ही कोई एक टीम इनको पिक करेगी क्योंकि दोनों का ही बैलेंस बस काफी ज्यादा था। तो ऐसे में इनके पास एक ऑप्शन बचा था एक प्रॉपर पेस के पास के लिए, और वो ऑप्शन थे अलजारी जोसेफ। तो ऐसे में आरसीबी के हिसाब से ये जो अलजारी जोसेफ हैं, एंडी फ्लावर और फाफ डु प्लेसी के साथ सीपीएल में भी खेल चुके हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपको अपनी टीम में शामिल किया। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या की साइड से, जहां पर काफी सारी अपडेट्स निकल कर आई थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो चुके हैं और वो आईपीएल 2024 से बाहर होने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो हमें एंकल इंजरी थी उससे वो रिकवर होते हुए नजर आ चुके हैं, और अब रिपोर्टेडली भारत और अफगानिस्तान के बीच में 11 जनवरी से जो T20 सीरीज होने वाली है उस सीरीज में हार्दिक पांड्या हमें रिकवर करते हुए नजर आ जाएंगे, और उसके साथ ही आईपीएल 2024 का हिस्सा भी हमें बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में T20 सीरीज के रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या जो हमने आपको बताया रिकवर हो चुके हैं, इसके साथ ही ये भारतीय टीम को लीड करने वाले हैं। इसके साथ ही हमें रोहित शर्मा को बीसीसीआई पूछते हुए नजर आ सकती है। अगर हार्दिक पांड्या टाइम से इनके 1-2% फिट नहीं हो पाते तो फिर रोहित शर्मा से पूछा जाएगा कि क्या वो भारतीय टीम की कैप्टनसी करना चाहते हैं, और अगर रोहित शर्मा चाहेंगे तो फिर बीसीसीआई उनको हार्दिक पांड्या के बदले कैप्टन अपॉइंट करेगी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा दोनों ही कैप्टनसी नहीं करते हैं तो फिर रविंद्र जडेजा हमें स्टैंड इन या फिर मेड अप कैप्टन के रूप में देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है विराट कोहली की साइड से। हमने आपको बताया था कि एक फैमिली इमरजेंसी के चलते हुए विराट कोहली भारतीय टीम को छोड़कर वापस चले गए थे, और ऐसे में काफी सारे फैंस इस बारे में चिंता कर रहे थे कि क्या विराट कोहली हमें वापस से रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक काफी ज्यादा अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है कि फाइनली विराट कोहली भारतीय टीम के साथ वापस जुड़ चुके हैं। ना सिर्फ वो भारतीय टीम के साथ जुड़े, बल्कि इसके साथ ही भारतीय टीम के साथ जुड़ते ही उन्होंने रोहित शर्मा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड कप डिफीट के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें पहली बार मिलते हुए नजर आए। इसके साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा बाद में हमें नेट्स के ऊपर बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है स्पोर्ट्स तक के न्यूज एंकर विक्रांत गुप्ता की साइड से, जहां पर विक्रांत गुप्ता ने ऋतुराज गायकवाड़ को काफी ज्यादा स्लैम किया है, जहां पर इन्होंने काफी ज्यादा इनके बारे में बातें बोली हैं। इनके हिसाब से सीएसके के टीम के जो फैंस हैं, खासकर जो इमेच्योर फैंस हैं, वो चाहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके का अगला कैप्टन बनाया जाना चाहिए। लेकिन विक्रांत गुप्ता की साइड से ऋतुराज ने ना तो आईपीएल में और ना ही खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको कैप्टन बनाया जाए। विक्रांत गुप्ता के हिसाब से एमएसटी के बाद अगर कोई सीएसके का कैप्टन बनना डिजर्व करता है तो वो प्लेयर हमें कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ही देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ काफी ज्यादा यंग हैं, और ऐसे में अगर ये चाहते हैं कि सीएसके की टीम इवन इनको कैप्टनसी के लिए कंसीडर भी करे तो उसके लिए इनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आईपीएल के सीजन और उसके साथ ही खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है मिचेल स्टार्क की साइड से, जहां पर मिचेल स्टार्क आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा महंगे गेंदबाज बने थे, लेकिन इसके बावजूद अभी अपने लेटेस्ट
लेटेस्ट इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि अभी भी रेड बॉल क्रिकेट इनकी प्रायोरिटी है, यानी कि अगर इनको टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल में से कोई एक फॉर्मेट चूज करने को कहा जाए तो ये अभी भी आईपीएल को छोड़ने के लिए तैयार हैं और ये हमेशा की तरह टेस्ट क्रिकेट को ही चूज करेंगे। तो एक बार फिर से इन्होंने प्रूव कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्री को इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पहले वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद ये पैसे भी लेकर चले गए, तो एक तरीके से ये जो चीज है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भारतीय क्रिकेट से कहीं ज्यादा बेहतर बनाती है, खासकर अगर हम इंटरनेशनल फॉर्मेट्स की बात करें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव की साइड से, जहां पर सूर्या की साइड से अपडेट है कि ये हमें आने वाले 6 से 7 हफ्ते तक रूल्ड आउट होते हुए नजर आने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाली जितनी भी सीरीज है उसके पार्ट नहीं होंगे। मुंबई इंडियंस की टीम के लिए भी ये सेटबैक है, क्योंकि सूर्या ने अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट की है जिसमें उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है, तो अगर मार्च में आईपीएल स्टार्ट होता है तो इनके लिए भी काफी बड़ा चैलेंज रहेगा कि फिट होकर वापस